हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों की एक बड़ी समस्या है, वो है इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना। इस एपिसोड में आपको 5 ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनको आप अपना के अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम 215 से ज़्यादा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आप अलग अलग तरह की पर्सनैलिटीज से मिले हैं। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स से मिले, मोटिवेशनल स्पीकर से मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, लेकिन आज का इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारी मेहमान न केवल इंडिया में अपितु अभी इंटरनेशनली बहुत फेमस हैं। तो आप जब उनसे मिलेंगे, बातें करेंगे तो इंस्पायर होए बिना आप नहीं रह सकते। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारी मेहमान हैं ब्रिजमोहन सर और जाह्नवी हमारे बीच में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जाह्नवी, आप आजकल गूगल में, यूट्यूब पे बहुत जगह सर्च की जा रही हो और बच्चों को, जब पेरेंट्स को बच्चों को इंस्पायर करना हो तो जाह्नवी का वीडियो दिखा लेते हैं। और स्पेशली अगर बच्चों को इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती है तो दिखाते हैं कि देखो ये लड़की कितना अच्छा बोल रही है। तो अपने बारे में पहले आप बताइए, अपना स्टार्टिंग से लेके इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई और जन्म कहाँ हुआ, एक छोटी सी जर्नी। आई वाज बोर्न ऑन नवंबर 8 2003 in a village in Haryana called Sheher Malpur. The name of the village starts with a sheher, but it's actually a village, so that's the kind of, people are very conflicted by it, but it's not. फिर उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि इंग्लिश आनी चाहिए because it was Papa's plan कि my daughter, she should know English. और उसके बाद जैसे कि घर में जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी, पहले हमने छोटे छोटे वर्ड से शुरुआत करी, फिर थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस आने लगे, फिर पैराग्राफ्स आने लगे। तो उसके बाद ये हुआ कि नाउ टू गेन फ्लुएंसी वी हैव टू डू समथिंग मोर। तो उसके बाद व्हेन आई वाज 5 years of age, so Papa used to take me to different places like Red Fort, India Gate, so that over there I can talk to different foreigners and then I can improve my English because गाँव में या फिर और कहीं पे स्कूल में कहीं पे भी ऐसा कोई होता नहीं था जिसके साथ फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकें, या फिर कोई ऐसा ही नहीं होता था कि जिसको ऑलरेडी इंग्लिश फ्लुएंटली आती हो। So I used to talk to foreigners. उसके बाद ये curiosity, they're eating a lot of their words and their pronunciation. It's like way different than us. So how to do this? That was another question I had with my dad. So my dad, he actually said it's called something accent, just like we have our dialect, they have their accents. So it's British accent, American accent. And then all I could think about was now I have to learn this accent thing. So what I started doing was I took out some books and some notes of phonetics. Phonetics usually जो masters के English के students होते हैं वो masters में आके पढ़ते हैं, but when I was 7 years of age, at that age I started studying phonetics क्योंकि अगर हम उसके बिना किसी भी accent को सीखते हैं तो वो एक मिमिक ही रह जाता है कि आप मिमिक्री कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो उसमें मास्टरी लेने के लिए आई वर्कड ऑन माय फोनेटिक्स एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू कीप प्रोनाउंसिंग डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट साउंड्स द होल डे, क्योंकि आप 1 घंटा देंगे एक्सेंट को वो आपको नहीं आएगा, आपको पूरा पूरा दिन उसमें लगाना पड़ता था। सो आई यूज्ड टू इमर्स माई सेल्फ एंड व्हेन आई वाज 10 years ऑफ एज आई वाज इन 10th standard। तो मेरी एकेडमिक जर्नी कुछ ऐसी रही। वन आई वाज 13 आई वाज इन 12th standard में अपनी 12th कर चुकी थी एंड नाउ दैट आई एम 19 आई हैव डन माय मास्टर्स एट 18 इन इंग्लिश। सो दिस इज़ व्हाट माय जर्नी हैज़ बीन। फिर जगह जगह पर इंटरव्यूज़ होने लगे तो और लगने लगा कि ब्रिटिश और अमेरिकन के बाद और भी एक्सेंट्स आने चाहिए क्योंकि ये तो अब मेजर एक्सेंट्स हो गए, अब थोड़े कम माइनर एक्सेंट्स हैं, उन्हें भी सीख रहे हैं। एंड दैट्स हाउ आई लर्नड 9 डिफरेंट एक्सेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंस्पायरिंग जाह्नवी। ब्रिजमोहन सर, आपसे मेरा प्रश्न है, जैसे जाह्नवी ने बताया कि जब वो 5 साल की उम्र उनकी थी तो उस समय आप उनको रेड फोर्ट और इंडिया गेट इन सब जगह पे लेके आते थे। तो अब जनरली आप हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ तो हिंदी अच्छे से बोलने लग जाएं तो हम लोग उसी को अचीवमेंट मांगते हैं, और आपने इंग्लिश में भी नेक्स्ट लेवल पर लेके गए। तो क्या इंस्पिरेशन थी? वैसे इंस्पिरेशन सर दरअसल क्या था, इंग्लिश को लेके बड़ी दिक्कतें महसूस होती थी क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और जैसे मैंने ग्रेजुएशन की, एमए की, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा। तो वहाँ पे क्या था, प्राइवेट स्कूल के अंदर इंग्लिश के टीचर को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी जो इंग्लिश स्पीकिंग करते थे। हालांकि मैं इंग्लिश पढ़ाता था उस वक्त, 9th-10th class के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता था, लेकिन बोल नहीं पाते थे जो हरियाणा के टीचर होते हैं, तो नहीं बोल पाता था। और जो बोल पाते थे और मालिक जो है मोस्टली मुझे, अब तो खैर मालिक ठीक है पढ़े लिखे होने लगे, तो पहले स्कूल जिसके पास ठीक है चलो भाई जमीन है जगह बनाई और स्कूल कर दिया, उनको उस तरीके से उस लेवल पे इंग्लिश नहीं आती थी, तो टीचर जो उनके सामने इंग्लिश बोलता था तो उसको लगता था तो अच्छी इंग्लिश बोलता है, इसके 2000-4000 फालतू इस तरह से ज्यादा होते थे, तो लगा नहीं यार गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं तो अब हम तो नहीं सीख सकते थे क्योंकि वो माहौल नहीं था। तो फिर दिमाग में आया कि भाई जरूर चाहे कैसे भी हो अपने बच्चे को तो इंग्लिश के बिना नहीं रखना, इंग्लिश तो बहुत जरूरी चीज़ है। फिर ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो मेरी प्रेरणा रही है वो सरोजनी नायडू रही है। अच्छा सर। तो मैं जब 6th और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था, उसमें एक पोएम थी सरोजनी नायडू की। अच्छा। तो जब मैं वो पढ़ रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तब देखा कि उसको जो है स्वर कोकिला के नाम से जानते थे, और उसने 12 ईयर की एज में 10th भी कर ली थी। अच्छा। तो जब मैंने देखा कि जब 12 ईयर की एज में उस जमाने में कर ली, उस टाइम में तो इंग्लिश बड़ी हार्ड रही होगी, और कैसे उसने किया होगा, कैसे चीज़ों को समझा होगा, कैसे चीज़ें की होंगी। तो फिर सुनते भी थे, जैसे कहीं ना कहीं जब स्कूल में किसी तरह की मीटिंग होती थी तो कहते थे कि करने वाले जो है चाहे तो क्या नहीं कर सकते, तो मुझे लगा कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो एक्सक्यूजेज होते हैं, देखते हैं। तो अब ये मुझे पता था एक टीचर होने के नाते, बीच में जैसे मीटिंग्स भी होती थी, हमारी ट्रेनिंग्स भी होती थी, तो एक टीचर होने के नाते ये पता था कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, तो उस टाइम तक 2003 में इसका बोर्न हुआ था, तो तब तक दिमाग में ये आ गया था किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो माहौल की जरूरत पड़ती है, और भाषा को इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। वर्ड होंगे आपके पास तो भाषा बोल पाओगे। आज भी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, लेकिन उस लेवल की हिंदी नहीं बोल पाते, क्योंकि वो वर्ड ही नहीं उनके पास। आज भी एक जनरल काम चलाने की लैंग्वेज बोलते हैं। और तो मुझे लगा कि भाई भाषा को अगर इम्प्रूव करना है तो वर्ड सबसे पहले आना चाहिए, बाकी तो बाद की बातें हैं। तो जैसे इसका बर्थ हुआ, तो बर्थ हुआ तो मैं लैप में जैसे इसे खिलाता था, लेके चलता था। जब ये 9 महीने की थी तो मैं इसको लेके घुमाने लगा था, तो उसके बाद मैं उसी तरीके से करता था, सानवी यू आर लाफिंग, तो आप लाफिंग कर रहे हो, आप स्माइलिंग कर रहे हो। अच्छा। इस तरह से मैं बात करता था हरियाणवी टोन में, लेकिन इसके साथ जब मैं बात करता था तो कोशिश करता था चेंज करने की, तो बात करता था। तो मुझे ये पता, एक चीज़ और भी पता था, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जब बच्चा एक पैदा होता है तो बच्चा सबसे पहले बोलना कहाँ से सीखता है? बोलना थोड़ा सीखता है, तो लिसनिंग करता है बच्चा। 4 या 5 महीने तक बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जब वो 5-6 महीने का होता है तो वो ऑब्जर्व करने लगता है अपने पेरेंट्स को, उनकी बातों पर गौर करने लगता है। वो इसके थ्रू जो है उनके अंदर जाते हैं, उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीज़ें जमा होने लगती है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो उन शब्दों को जोड़कर सामने वाले को देख के तो बच्चा बोल पाता है फिर धीरे धीरे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के। तो लिसनिंग तो मैं इसके साथ बोलता ही, तो लिसनिंग तो कर ही रही थी। राइट। तो लिसनिंग कर ही रही थी, तो वो एक पूरा फोकस था, तो लिसनिंग कर रही थी। तो लोग हंसते भी थे, कितना अंग्रेज बन रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है, कुछ है भी लड़की, तो हंसते भी थे लोग, मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन एक धुन थी बस। तो होते गए, जानवी बड़ी हुई, जब 9-10 महीने की हुई तो इसने बहुत अच्छे से बोलना शुरू कर दिया था। अच्छा, अंग्रेजी में कुछ अंग्रेजी के वर्ड बोलने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैंने घर पे जैसे काग आते थे या कबूतर आते थे तो मैं यही कहता, जानवी देखो क्रो आ गया, कौवा कौवा, मगर देखो जानवी ये पिजन आ गया, ये देखो काऊ है। अच्छा। इस तरह से बताना शुरू कर दिया था, तो इसने रिस्पांस उसी तरीके से देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे फिर 2 प्रॉब्लम हो गई। जब जानवी 1-1.5 साल की जब जानवी थी तो इसकी वोकैबुलरी में 500 वर्ड मीनिंग थे इंग्लिश के। अच्छा। okay. जो मैंने कॉपी पे लिख लिए थे कितने इसको आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ आ गई थी, उसमें सभी फ्रूट्स नेम आ गए थे, वेज नेम आ गए थे, और इस तरह की जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो वो भी आ गए। जैसे फ्लावर है, मैं फ्लावर के पास लेता, पूरा प्रोसेस बताता था, फ्लावर है, फ्लावर क्या है, सबसे पहले बेटा देखो ये बड है, बड से फिर क्या हुआ, ये फ्लावर ब्लूम हुआ है, ब्लूम वर्ड आ गया, ब्लूम हुआ है, ब्लूम होने के बाद देखो ये फ्लावर बन गया, ये इसके पीटल्स हैं। इस तरह से एक चीज़ बताता था मैं इसको, तो बताता था। तो वो धीरे धीरे जब 4-4, 5-5 बार रिपीट करता था तो कहीं ना कहीं तो जमा हो ही रही थी वो चीज़ें। तो प्रोसेस धीरे धीरे होता गया। फिर प्रॉब्लम क्या आई, जब 500-550 वर्ड हो गए तो फिर मैंने इसको असेंबल करना शुरू किया। अच्छा। 1.5 साल की हो गई, असेंबल करना कैसे शुरू किया, फिर मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर देने शुरू कर दिए। जैसे बच्चा, छोटा सा बच्चा है, मम्मी के साथ कहता है तो डायरेक्ट ये थोड़ा कहता है मम्मी मुझे पानी दे दो, वो मम बोलता है तो मम्मी समझ लेती है कि ये पानी की बात कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब होता है, भाषा का मतलब होता है, मैं एमफिल हिंदी से भी हूँ, तो इसका भाषा का मतलब होता है कि हम अपने भाव को, अपने मन के भाव को दूसरों को समझा सके। इट मीन्स भाषा। तो जब छोटा बच्चा होता है पूरे सेंटेंस नहीं बोल पाता, कम शब्दों में बोल पाता है, पेरेंट्स समझ लेते हैं बच्चा क्या चाह रहा है। तो वही बात थी, तो ये बोल लेती थी। तो अब स्ट्रक्चर भी करना था, धीरे धीरे असेंबल करना था, तो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर देने शुरू किए। आई वुड लाइक टू, सानवी जैसे गिव मी वाटर, पापा जी मे आई कम इन द रूम, ऐसे ऐसे शब्द देने शुरू किए। ये 1.5-2 साल की उम्र में तो ये 2 साल की जो है बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बोलने लगी थी। अब प्रॉब्लम क्या आई, घर पे हर आदमी तो हरियाणवी बोलता था, एक पापा ही तो अकेले थे जो उसके साथ बात करते थे और तो कोई करने वाला था ही नहीं। दोस्त थे जो छोटे बच्चे होंगे वो भी सारे, तो वो तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था ऐसा। तो जब ऐसा कोई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो गई। तो फिर ये क्या था, क्योंकि सराउंडिंग में अपनी हिंदी और हरियाणवी बोलने वाले ज्यादा लोग थे और इसके साथ डीलिंग करने वाला अकेला मैं पर्सन था। राइट, फिर प्रॉब्लम आई, लेकिन प्रॉब्लम को समाधान हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। ये जब भी मेरे पास आती है कहती पापा आज मम्मी ने मारा, जानवी कैसे बात कर रही हो, फिर कहती पापा यस, ये समझ जाती पापा क्या चाह रहे हैं, ये समझ जाती पापा मम्मी ने बीटिंग की है। तो टूटे फूटे शब्द, मैं शब्द सुनना चाहता था कि इसके दिमाग में है नहीं, तो पापा मम्मी ने बीटिंग की है, पापा मम्मी ने वाटर नहीं दिया। तो इस तरीके से फिर उनको असेंबल करना शुरू कर दिया। तो जैसे मेरे पास आती अगर ये बोलती, मैं उनका जानवी इतना बोलना होता था मुझे, ये एकदम टोन चेंज कर देती थी। तो उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे हालांकि इतना सोचा नहीं था। तो ये आइडिया कैसे आया कि जहाँ पे रेड फोर्ट पे जाया जाए वहाँ फॉरेनर्स मिलेंगे? इसका तो बड़ा रोचक सा आइडिया है जी। अब जानवी जो है 3 साल साढ़े 3 साल की हुई तो स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब स्कूल में भी टीचर वही हैं सभी, कहने को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन स्कूल वो नहीं मिला। अब जैसे इंग्लिश सीखने के लिए एक प्रॉब्लम और आई, जीडी गोइन का डीपीएस जो बड़े स्कूल्स होते हैं इनको इंग्लिश स्कूल माना जाता है। राइट, अब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, सैलरी लेता हूँ 5-6 हज़ार रुपये महीना, उनकी जो फीस है वही 5 हज़ार रुपये महीने की थी। तो मैं कैसे कराऊंगा? राइट, गड़बड़ हो गई। मैं कहा नहीं कोई बात नहीं, हो जाने तो मैं अपनी मेहनत करूंगा। तो स्कूल जाती थी, वहाँ पर उस इंग्लिश की वजह से इसकी क्लास भी जल्दी होने लगी क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में गई। हाँ राइट, क्योंकि जो हम स्कूल में क्या कराते हैं, रंगों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये चीजें कराते हैं, वो ऑलरेडी इसको आते थे। तो क्लास में ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास में गई। लिखना इसकी मम्मी ने सिखा दिया था क्योंकि गर्मी के अंदर थे, गर्मी गांव में रहते थे तो गर्मी थे, गर्मी में लाइट आती नहीं थी गांव में, तो नीम के नीचे बैठे शरारत करते थे बच्चे। तो इसकी मम्मी ने लिखना सिखा दिया, जमीन पर लिखना सिखाते थे, ए लिख दिया, आ लिख दिया, इस तरीके से। मैं कहीं लेके जाता तो मैं कहता देखो ये चीज क्या लिखी है, कोई भी बोर्ड था सबको पढ़ाता था, ये बताओ क्या लिख रहा है, ये बताओ क्या लिख रहा है, ये बताओ क्या लिख रहा है, ऐसे मैं पूछता था। लिखना इसकी मम्मी ने सिखा दिया, फिर तख्ती ला के दे दी, तख्ती पे सिखा दिया। हालांकि स्कूलों में तख्ती तो लगती नहीं थी, मैंने तख्ती ला के दी इसको, तख्ती पे लिखवाया तो तख्ती पे लिखती थी। तो लिखना उसने सिखा दिया, बाकी प्रोसेस मैंने कर दिया। तो जब स्कूल में गई तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट क्लास में, तो जब फर्स्ट क्लास में से सब कुछ कर लिया मैंने, सेकंड का करा दिया क्योंकि तो सेकंड और फर्स्ट का सेम सा सिलेबस था। सेकंड ड्रॉप कराई फिर मैंने फर्स्ट के बाद, सीधा थर्ड में लिया। अच्छा ओके। तो अब इंग्लिश की फिर जब बोलने की बात, क्योंकि स्कूल में कोई बोलता नहीं था, अब वहाँ भी प्रॉब्लम आई। ये इंग्लिश के वर्ड टीचर के साथ यूज करती थी, टीचर इतना बोलता नहीं था क्योंकि सिखाने का तो था लेकिन टीचर तो खुद यूज नहीं करते थे। राइट, फिर प्रॉब्लम आई। तो ये बोलती पापा ऐसे ऐसे बात। हम बेटा उनको कुछ भी बोलने दो, तेरी मम्मी भी तो बोलती है, तेरी दादी भी तो बोलती है, टीचर्स को बोलने दो, लेकिन हम तो ऐसे ही बात करेंगे। राइट, उस प्रोसेस को हमने नहीं छोड़ा। अब सब टीचर्स को मैंने बोलना शुरू किया जब ये 5 साल की हो गई, और मैंने बात की जो टीचर थे और थे, मगर जानवी से थोड़े प्लीज बात कर लो आप इंग्लिश में, क्योंकि इतनी फ्लुएंट मेरी भी नहीं थी। हम तो कितना सुन सकते थे। तो वो क्या बात करते थे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, इन व्हिच क्लास डू यू रीड। मगर नो, इससे एक्स्ट्रा लेवल की बात करूँ आप। और आपको एक चीज रोचक बात बताता हूँ, हम जैसे दाकाऊ याद करते हैं, बच्चा थर्ड क्लास में दाकाऊ लर्न करता है, माई डॉग करता है, स्कूल के बारे में ऐसे करता है। उसमें बच्चा लर्न नहीं कर पाता क्योंकि वो टीचर लर्न कराते हैं। मैंने लर्न नहीं कराया। अच्छा, हमारे घर पे गाय थी ऑलरेडी, इसको पता था ये टेल है क्योंकि मैंने बता रखा था, छोटी हो तो 1 साल की एज में पता था, ये टेल है, ये टीट है, ये इसकी लेग्स है, ये तो सारी चीजें बताई रखी थी। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में एक दिन मैं इसको पास लेके गया, 2 साल की थी तब, स्कूल में भी नहीं गई थी। गया मगर बेटा इसकी लेग्स कितनी है, इसकी लेग्स कितनी है, पापा 4 है, क्योंकि पता ही था, वो तो ऑलरेडी पता ही था क्योंकि 6 महीने 8 1 साल की सारी चीजें पता था। तो मैंने इसको स्ट्रक्चर दिया, मगर बेटा इट हैज मैं बोलूंगा और बाकी आगे तुझे बोलना। तो मैंने कहा इट हैज, मैंने 4 कर दिया ऐसे, तो ये बोली 4 लेग्स। मैंने कहा इट हैज, मैंने 2 कर दिया, पापा ये बोली 2 हॉर्न्स। मैंने फिर 2 किया, मगर इट हैज, पापा 2 ईयर, मगर इट हैज 2 आइज। इट हैज मैं बोलता गया, बाकी ये जोड़ती गई, हो गया ऐसे कंप्लीट हो गया। क्या बात है, ऐसे फिर वो डॉग का और ये तो सारे ऑटोमेटिकली हो ही गई फिर। तो एज ए प्रैक्टिकल मैंने ये सारी चीजें कराई। तो अब रेड फोर्ट वाली आई चीजें, जब किसी भी टीचर ने साथ नहीं दिया, कोई बोलने वाला नहीं मिला, कोई बात करने वाला नहीं मिला, कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ लोगों की ईगो भी हर्ट होती थी। छोटी सी बच्ची के साथ पता नहीं क्यों पीछे लगा रहता है, क्या बना के छोड़ देगा, क्या सोच रहा है। तो उस तरह के भद्दे तरीके से सुनना भी पड़ता था, थोड़े उस टाइप के कमेंट भी सुनने को होते थे जो मैं नहीं बता सकता, ऐसे भी कमेंट मतलब आए हैं। लेकिन हम लगे रहे। तो फिर नहीं बात हुई, तो फिर मैं इसको यहाँ पे जो अपना दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है वहाँ लेके आया। अच्छा, वहाँ लेके आया तो 5 साल की थी तभी, तो मैंने ट्रेड फेयर में खुला छोड़ दिया। मैं कहा जितने भी स्टॉल वाले हैं सबसे तुझे बात करनी है। अच्छा, इससे बात करिए क्या सेल कर रहे हैं, क्या प्राइस है, कैसे देते हैं, छोटा छोटा एक्सपीरियंस कराया। तो उनसे बात कराई, उनसे इंग्लिश में बात की, इंग्लिश में कराई, ओके, सभी से इंग्लिश में। तो इतनी टूटी फूटी वो बोल पाते थे, इतनी ये बोल पाती थी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कॉन्फिडेंस भी तो साथ के साथ चाहिए ना। yes, yes, जो आजकल के बच्चे 11-12 में हो जाते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं, फियर है, उनको बोल नहीं पाते। तो वो कॉन्फिडेंस वहाँ से ब्रेक किया। अकेला छोड़, इतनी भीड़ में अकेला छोड़ देता था, ऑब्जर्व करता था बस में। तो वहाँ से वो चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद जब लगा कि नहीं भाई, जैसे हम पीछे बच्चों का टूर लेके आते थे स्कूल का, तो रेड फोर्ट और ये घुमाते ही हैं, चिड़ियाघर घुमाना, ये घुमाना, वहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशर आते थे। तो मैं फिर जानवी को वहाँ पे लेके आने लगा। सैटरडे को ट्रेन में बैठा समालखा से सीधा पुरानी दिल्ली, और वहाँ से रेड फोर्ट नजदीक आई। छोटी सी बच्ची थी, भागती, मगर करो बात। तो ये हल्की हल्की बात करती उनके साथ, वो भी बात करते। उनकी एक अच्छी बात लगी, वो जब बात करते बड़े प्यार से करते थे। मुझे लगा कि हाँ, अब चीज़ मुझे मिल गई है। तो जी जी प्लीज। तो जब वो चीज मिल गई, अब फिर एक समस्या आई। अब ये बहुत कम बात कर पाती थी। अच्छा, हाँ, रुक जाते, कहाँ से बात कर, कितनी हाँ, बात कर पाती हाँ, थी। एक राइट, बच्चा राइट, है, सब्जेक्ट नहीं था कोई आगे बढ़ाने का, क्योंकि किसी भी चीज को लंबी बात खींचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। फिर मैंने सर इसके साथ जीके पे काम किया। अच्छा, ओके। फिर मैंने इसको पूरी मैप समझाया, ये पूरी इसको पूरा मैप करा दिया। फिर इसको मैप किस तरह से करा दिया, मैंने 5 पार्ट को बांट दिया। ये इतने हमारे कंटिनेंट हैं, इसमें इतनी क्या नाम कंट्रीज हैं, ये कंट्री है, ये कंट्री है। तो स्टेट उस तरीके से लर्न कराया। अच्छा, सारी कंट्री लर्न हो गई। फिर ये कराया, इसके माउंटेन है, टॉप 10 माउंटेन, टॉप 10 हाईएस्ट सिटी इन द पॉपुलेशन, टॉप 10 ये, टॉप 10 कॉपी मैंने बनाई, लर्न मैंने इसको कराया। कॉपी मैं बनाता था सारी। जी जाह्नवी, yes. आपको पहली कोई मेमोरी याद है जब आप पहली बार किसी फॉरेनर से मिले, बात किया है आपके जहन में? है पूरी जहन में है मेरे। बताओ प्लीज, कैसा एक्सपीरियंस था? I was 5 years of age, मुझे उसी टाइम की बात याद है। और उस दिन है ना, जैसे अब हर सैटरडे संडे का ये रूटीन बन चुका है, पर मेरे को मेनली ये याद है उस दिन एक नई नई स्वेटर आई थी मेरी उस दिन, तो बड़े एक्साइटेड होकर पहनी थी मैंने। अब तो मम्मी ने दी वो, फिर मेरे पापा ने एक मफलर बांधा, है मेरा बेटा उतना बढ़िया लग रहा है। दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस, ये हाईलाइट ऑफ द डे थी उस दिन की। सो आई गेट रेडी, पापा गेट्स रेडी, हम निकल गए। और अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लगे हमें पहुंचने में। सो देयर वाज दिस ओल्ड कपल, ओके, एंड दे वर फ्रॉम अमेरिका, एंड दे वर सो स्वीट। मेरे पापा ने उन्हें देखते, देख वो रेचा भाग जा। So I ran over to them. I'm like, can I please have 30 seconds of yours? So they just they come down on their knees, they sit in front of me, and they're like, yes little girl. I'm like, can I please talk to you guys? They were like, all right, sure. Then I asked them, ki, where are you from? All right, you're from Texas, and you know there are a lot of companies over there. And so we talk about all of these things, and they go like, we wish you all the best, little girl, and we're pretty sure that whatever your goals are, you're going to achieve them. So they kind of inspire me at last, you know, they gave me this motivational kind of lecture. So they were an old couple, and they were like, you're just like your granddaughter, you know, you're extremely sweet. And then they said, all right, let's have a picture together because you're so great. So they clicked a picture of mine from their camera, and my dad clicked from his camera, because उस time घर पे एक ही touch का phone होता था, वो हम ही लेते, हमारे पास ही होता था, to watch different accent videos and different all kind of the sorts of things. So उसके बाद, so that is one experience I remember. फिर उसके बाद तो काफ़ी experiences हुए. I still remember a lot of them. उसके बाद हमें फिर एक couple मिला, they were quite young, and they talked to me. They were all like, "You're extremely sweet, and we really hope that you come meet us someday." And they were actually Australians, so we really hope you come meet us in Australia someday. I was like, "All right, sure." So I still have a picture with them as well. So yeah, I do remember a lot of things. I also remember this cow thing, you know, because a lot of people are actually surprised. How come you remember your experiences when you were 2 years of age? I'm like, I remember. I do remember. So I remember all of these, you know. I also remember playing with little puppies, and then my dad saying, it has a tail, it has 2 eyes, it has, you know, 2 ears. So I do remember a lot of things. So this was one of my first experiences when I talked with foreigners. जब आप जाह्नवी इंग्लिश बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है कि वो सुनते रहे आपका. Very sweet, और जो pronunciation है आपका, हमें बोलना तो नहीं आता, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हाँ कोई ये भी नहीं मालूम कि ये ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलियन है, यूरोपियन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ कोई है ना फॉरेनर जो लड़की है वो बात कर रही है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्वीट. जाह्नवी, जर्नली ऐसा होता है साधारणतः कि पेरेंट्स जो काम खुद नहीं कर पाए हैं वो बच्चों के माध्यम से करवाना चाहते हैं, और प्रेशर भी डालते हैं कुछ ना कुछ कि भाई ये करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं, स्पेशली शहरों में जो बच्चे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं परवाह करते, वो सुनते ही नहीं। उनको जो अच्छा लगता है उसी को फॉलो करते हैं और अपने पैशन को ही फॉलो करते हैं। इवन बहुत बार वो कंफ्यूज रहते हैं लेकिन फिर भी करते नहीं हैं। तो आपकी तो इच्छा नहीं रही होगी, पापा ने जबरदस्ती करवाया आपको ये सब, इंग्लिश बोलो ऐसा करो? जबरदस्ती इसमें कुछ नहीं था। पता है, इस चीज़ में कोई गलत चीज़ नहीं है कि आपको जो करना है आप उस चीज़ को करें। अगर कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है और आपका उस काम को करने का मन नहीं कर रहा, सो इट्स ऑल राइट अगर आपको नहीं करना। बट आपने अभी एक चीज़ बोली कि बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं, वो फिर भी नहीं मानते। वो कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आपको खुद की रिसर्च चाहिए होती है। मेरे साथ शुरू से इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट करा गया, फिर मेरी क्यूरियोसिटी गई। फिर जैसे मैं फॉरेनर्स को सुनती थी तो मैंने उनका एक्सेंट सुना, मुझे ये हुआ कि अब मुझे ये एक्सेंट सीखना है, अब वो मेरी खुद की क्यूरियोसिटी थी। उसमें पापा का कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं अभी एक्सेंट ऐसा आना चाहिए, उसमें उनका कुछ नहीं था। वो मेरी खुद की क्यूरियोसिटी थी, मैंने खुद देखा कहाँ से आ सकता है। फिर पापा वो समवन की उन्होंने मेरी हेल्प करी उस चीज़ में कि पापा ये चीज़ करनी है, तो पापा अलग अलग वीडियोज़ देखते हैं। ही हेल्प मी थ्रू दैट। उसके बाद तो वो मेरा फील्ड था। और सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई गई, मेरा सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं अपने खुद के गाने लिख दिए एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड फॉर दैट। द पॉइंट इज़ कि अगर आपका पैशन, इफ़ यू आर क्लियर ऑफ योर गोल्स, अगर आपकी पूरी रिसर्च है, आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, आपको पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सो एंड यू आर गोना टॉक विद योर पेरेंट्स और आप उनको दिखाएंगे इज दैट यू रियली हैव इंटरेस्ट इन दिस, वो आपको मना नहीं करेंगे, दे आर एक्चुअली गोना सपोर्ट यू। और वो आपको अगर मना करें, अगर वो आपको मना करें, इवन इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग यू, सो यू शुड डू समथिंग टू प्रूव टू देम कि ये आपको करना ही करना है, आप अपनी साइड से भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दैट इज समथिंग यू कैन डू। मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे मैं अलग अलग गाने लिखती थी, सो आई यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट सॉन्ग्स। इन्हें नहीं पता था उस टाइम तक इज दैट आई ऑल्सो डू दिस, पर बात ये हुई थी कि मेरे लिए अलग अलग इंग्लिश के गाने एक्चुअल में लेकर आते थे ताकि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। वहाँ से मेरी सिंगिंग भी थोड़ा सा मैंने उस पर काम किया और फिर उसके बाद पापा बोलते हाँ देखेंगे इसके बारे में। देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग सम सॉन्ग्स, फिर मैंने सुनाया एंड माय फादर वाज लाइक ऑलराइट दिस साउंड्स नाइस, वी कैन वर्क ऑन दिस एज़ वेल। इंग्लिश में लिखते हैं कुछ? इंग्लिश में, हाँ जी। तो कुछ सुना सकते हैं? मेरा अभी खुद का इंडिविजुअल कुछ नहीं है, पर मैं वैसे कुछ सुना सकती हूँ डेफिनेटली। दिस इज अ रैप एक्चुअली। Pull up in the monster automobile gangster with a bad bit that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the Tonka, color a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'll eat your brains. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs, cause that's what a monster do. Hair dresser from Milan, that's the monster shoe. Monster Giuseppe Hill, that's the monster crew. Young Money is the roster and the roster crew. And I polo 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 in the bank with the funny face. And if I'm fake, I notice cause my money ain't. Wow. क्या इसका सार क्या है? अगर हम इसका स्वर ये है कि सार इसका कंक्लूजन इसका ये है कि आई एम अ मॉन्स्टर and you all can't compete with me because I'm way above your level. Okay. So it's kind of like an attitude song. आजकल के youngsters सुनते हैं ना, हमसे बड़ा कोई नहीं है ना, हमसे ज़्यादा attitude किसी में नहीं, this and this, so something like that. एंड सो उसके बाद फिर ये हुआ कि अगर आपका इंटरेस्ट आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप इस काम में कुछ कर सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स उनके पास हमारे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है सोसाइटी का, और वो अलग अलग जगह पर बैठते हैं तो वो अपने उस एक्सपीरियंस से बोलते हैं। आपको भी अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। ये होता है मोस्टली हमारे साथ ना, हम किसी और को देखते हैं कि इसको बड़ा है ना फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो हम भी ये काम करते हैं। हम सिर्फ ये चीज़ देखते हैं, रिसर्च नहीं होती। पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में थोड़ा प्रैक्टिकल वे से देखते हैं कि अगर ये इसे ये सब चीज़ें चाहिए तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे सपोर्ट कर सकें, या फिर हमारे पास इस तरीके के सोर्सेज नहीं है कि हम इसे सपोर्ट कर सकें, वो उस वे में बोलते हैं। सो आई थिंक एक रिसर्च होनी और एक डिस्कशन होनी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप कन्फ्यूज हैं, सबसे पहले तो उस कन्फ्यूजन को हटाइए एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पैशन। दैट्स ग्रेट। जाह्नवी, हमारे यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश एक भूत की तरह है, बॉर्डर लगता है उससे, और बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, वो भी मतलब बोलते तो हैं लेकिन जाह्नवी को देख के उनको लग रहा होगा कि ये तो नेक्स्ट लेवल है। डोंट फील दैट। तो उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, और कोई व्यक्ति इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानता है तो उसको आप क्या गाइड करेंगे कि कैसे वो सीख सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, जैसा मेरे पापा भी बता रहे थे, कि हमेशा हम है ना लिसनिंग करते हैं, तो हमारी लिसनिंग से ही स्पीकिंग इम्प्रूव होती है। हम लिसनिंग करते ही नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम एक घंटा कहीं पर भी जाकर हम किसी से क्लासेस ले लेंगे तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। लैंग्वेज कभी भी ऐसे नहीं आती, आपको अपने आप को लैंग्वेज में पूरा इमर्स करना होता है। अब मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं था, मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट करा गया। आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, सो आई हैव एन app called Learn with Jahnavi Pawar. तो उसमें मेरे अलग अलग कोर्सेज हैं, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनस जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारा लेवल कौन सा है, हमें टूटी फूटी तो आती है तो हमें इंटरमीडिएट चाहिए. तो वो उन टॉपिक्स में से एक बार गो थ्रू भी हो सकते हैं टू सी कि उनका लेवल क्या है, एंड देन दे कैन जॉइन अ कोर्स. How many courses are there? I have 5 different courses of English. It's basic English, intermediate English, advanced English, British accent, American accent. तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. For sure, thank you. तो जो भी साथी हैं वो जा सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेकिन बिगिनर्स के लिए कौन सा कोर्स है आपके पास? बेसिक, बिल्कुल बेसिक, शुरू से. उसमें क्या क्या? उसमें हम सीधा बात करते हैं और सबसे पहले IPA से बात करते हैं, फोनेटिक साउंड से, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है. हमें इंग्लिश मिली थी ब्रिटिशर्स से, वो यहाँ पर आए थे. इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज. अगर हम देखें, हम फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश सीख रहे हैं और हम स्पेनिश को हरियाणवी या फिर हिंदी एक्सेंट में बोलने लगे, वो अच्छी नहीं लगेगी डेफिनेटली. हाँ, पर ऐसा ज़रूर है कि आजकल अब इंडियन एक्सेंट हमारा आ चुका है. बट आई स्टिल थिंक कि if you really wanna talk in English, you should speak in the right manner, जिनका नेटिव है ये. बट लैंग्वेज का वही मतलब है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा पा रहे हैं. सो इंडियन एक्सेंट, इट्स ऑल राइट. और फिर उसके अलावा ये भी होता है, कुछ लोग MNCs में काम करते हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स, BPOs, उन्हें एक्सेंट की बहुत ज़रूरत होती है. I still remember I worked with a company for 3 months और उन्होंने मुझे सिर्फ इसी चीज़ के लिए रखा था, क्योंकि that was an MNC, कि आप हमारे अमेरिकन क्लाइंट से अमेरिकन एक्सेंट में बात कर लीजिए. So I know कि BPOs, कॉल सेंटर्स, MNCs इन सारी जगह पर, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट फील्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है. और काफ़ी बार जो स्टूडेंट्स होते हैं IELTS के, TOEFL के, वो बाहर चले जाते हैं, उन्हें समझने में दिक्कत होती है. वाई आई नो दिस, क्योंकि मेरे पास वहाँ से कॉल्स आते हैं, इस दैट हम यहाँ तो आ गए, इन्हें अपनी बात नहीं समझा पा रहे, उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे, तो करें क्या? So there is that problem of accents as well. बट जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए बिल्कुल बेसिक कोर्स है. सो दैट स्टार्ट्स विद प्रोनंसिएशन, फिर धीरे धीरे उसमें शन की प्रोनंसिएशन, फिर उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे स्ट्रक्चर्स पे मेरे पापा ने मेरे साथ काम किया, सेम वे यू नो आई हैव गिवन स्ट्रक्चर्स. सो there are many videos और वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की है. और फिर उसमें कुछ प्रैक्टिस भी है कि मैं उसमें I give homework कि आपको ये करना है तब आपको इंग्लिश आएगी. मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने आधे घंटे की क्लास दी कि ठीक है आज का इंग्लिश का काम डन. नो नो नो, दैट्स नॉट gonna happen. आपको पूरा दिन उस चीज़ में लगाना पड़ेगा. काफ़ी सारे लोगों की ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे पास तो इतना टाइम है ही नहीं, हम कहाँ से लगाएं. तो आप जनरल लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, आप गाने सुन रहे हैं, वो सारे काम आप इंग्लिश में करने शुरू कर दीजिए. हमारे पास इतना टाइम होता है, हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर सके, रील्स देख सकते हैं या फिर फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, उन सब को हम इंग्लिश में देखेंगे. तो शुरू के 1-2 हफ्ता तो हमें दिक्कत आएगी समझने में, जाह्नवी ने क्या बता दिया, व्हाट इज़ दिस. पर आप जितना एक लैंग्वेज से एनकाउंटर होते रहेंगे, आप जितना फेमिलियर होंगे एक लैंग्वेज से, आप उतना इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे. तो आप जितनी बार बार अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो कोई भी न्यूज़पेपर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, हमें शुरू में पढ़ने में दिक्कत आएगी. 10 to 15 days नए नए वर्ड्स होंगे. 15 से 20 दिनों बाद वही वर्ड्स, वही स्ट्रक्चर्स, वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं. और हम जितना उनसे एनकाउंटर होंगे, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ भी करना शुरू कर देंगे. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर इमर्सिंग योरसेल्व्स. सो फॉर ऑल ऑफ दोज बिगिनर्स आई हैव अ बेसिक कोर्स, यू ऑल कैन गो एंजॉय. That's great. जाह्नवी का जो ऐप है उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं. ब्रिजमोहन सर, आपने सोचा था, देखिए आज जाह्नवी का एक सेलिब्रिटी स्टेटस है. डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इंटरव्यू लिया, संदीप महेश्वरी जी के वहाँ पे जाके आए, कोच VSR, उज्जवल पाटनी जी, सबने जाह्नवी का इंटरव्यू लिया है और मैगजीन्स में इनके लेख आते रहते हैं. BBC पे भी शायद आप कुछ गए हैं. तो आपने सोचा था कभी कि ये सब होगा आने वाले समय में, और कैसा महसूस होता है, और आप स्पेशली पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? सर, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने, और मुझे ये लगता है कि सभी पेरेंट्स को, सभी जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं. और जब बेहतर सोचते हैं तो उस बेहतर में अगर आप अच्छे से आप कर्म कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका फल मिलता है. हमने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था. सिर्फ मेरा इतना सा लक्ष्य था कि जाह्नवी जो है इंग्लिश अच्छे से बोले, लेकिन वो इंग्लिश बोलते बोलते क्योंकि वो हमारा कर्म अच्छा था ना, हम इत्मीनान से और बिल्कुल उस तरीके से लगे हुए थे. रात को भी जैसे हम न्यूज़ सुनते थे, मैंने जाह्नवी को जब उस पर डाला, 7 साल की थी तब ये, मैंने BBC सुननी शुरू की थी. इसके साथ बैठता था मैं, वो कैसे न्यूज़ बोलते हैं. तो BBC सुनी, तो BBC सुनने के बाद लिसनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा ऐसा होगा. हमारा मेन मकसद था कि इंग्लिश ज़्यादा से कितनी अच्छी आनी चाहिए. तो जब BBC सुनते थे तो उसकी लिसनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी. सर, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी BBC न्यूज़ सुनने के बाद मैं पूरी BBC सुनता था इससे. अच्छा, BBC TV बंद कर दो, पूरे 1 घंटे की न्यूज़, उसमें जहाँ से जो भी आदमी रिपोर्ट कर रहा है कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई साउथ अमेरिका से कर रहा है, कोई ब्रिटेन से कर रहा है, जहाँ से जिस एक्सेंट में वो रिपोर्टिंग करते थे पूरे उसी एक्सेंट में पूरी सुनाती थी ये। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने टाइम टेबल बना लिया था। एक दिन हम बीबीसी सुनते थे, एक दिन CNN सुनते थे, एक दिन अल जजीरा सुनते थे, और शुरू एक वो भी सुनते थे टाइम्स नाउ, अर्नब गोस्वामी को भी सुनते थे। अच्छा, इंडियन भी सुनते थे, तो सभी को सुनते थे। और एक टाइम ऐसा आया था सर, दोनों दो टीवी लगा दो आप, एक तरफ अमेरिकन का एक तरफ ब्रिटिश का, एक एक घंटे की दोनों न्यूज़ चलेंगी, दोनों को सुनेगी। इसकी लिसनिंग इतनी स्ट्रांग होगी थी कि दोनों की दोनों न्यूज़ सुन के दोनों सुना देती थी। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट और किया, उसके बिल्कुल जो स्लो होता है, कितने स्लो पे, बिल्कुल 1 पॉइंट पे वॉल्यूम करके उनकी लिपसिंग देखनी है, वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, फिर तेरे को न्यूज़ सुना। ये आइडियाज कैसे आए आपको? बस ये अपने आप आते चले गए। लिपसिंग वाला आइडिया मेरा था। उस टाइम क्या होता था ना कि जो मेरी छोटी सिस्टर है सानवी, शी इज 10 years younger than me, तो वो बहुत चिल्लाती रहती थी। रात को फिर सोती थी तो मम्मी ये कहती थी थोड़ी सी आवाज़ कम कर ले, कहीं उठना जाए उठना जाए। मैं उसको 1-2 पे सुनती थी, फिर पापा तो इतना कम कैसे सुन रही है। मैं इनकी ना लिपसिंग देखो, मैं ये अभी टी बोला इसने, अभी ये वाला वर्ड बोला इसने, अभी ये वाला, तो लिपसिंग इतनी स्ट्रांग हो गई। तो चीजें क्योंकि एक एक्सेंट को आने के लिए आपका हमारा अभी जो इंडियन एक्सेंट है या फिर हमारी जो भी लैंग्वेजेस हैं, तो हमारी जॉ मूवमेंट, हमारी टंग मूवमेंट, टीथ्स का कहाँ पे प्लेसमेंट है, वो सब उसी हिसाब से ना सेट हो चुका है। तो किसी और एक्सेंट में बदलने के लिए हमें वो भी देखना होता है कि हमारे लिप्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हमारी टंग कब ऊपर टच कर रही है, कब नीचे आ रही है, कब हमारा जॉ जो है, जॉ प्लेसमेंट थोड़ा सा, हालांकि पूरा प्लेसमेंट नहीं बट स्टिल हमारा नीचे वाला जो है वो ऊपर कब जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आई यूज़ टू नोटिस। और फिर वहाँ से क्योंकि आपको फोनेटिक्स आ जाएंगे, फिर आपको इंटोनेशन का पता लग गया। इंटोनेशन पहले जब मैं न्यूज़ सुनती थी, मैंने अर्नब गोस्वामी को बहुत सुना शुरू में। सो अर्नब गोस्वामी की वजह से मेरी हाई पिच बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि वो बोलते ऐसे तरीके से हैं। सो आई यूज़ टू लव वॉचिंग हिम। और फिर उसके बाद फिर मैंने उनकी वो लिपसिंग देखी कि हाँ अब ये इस तरीके से इसका फ्लो है, अभी इसके लिप्स मूवमेंट ऐसे हैं। दैट्स व्हेन आई डिड दिस। जाह्नवी, 5 टिप्स आप, कोई भी 5 चीज़ें जो बिगिनर्स को आप बताना चाहते हैं कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखो। ऑलराइट। फर्स्ट थिंग इज़ आपको अपने आप को इंग्लिश में पूरा इमर्स करना पड़ेगा। ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड थिंग इज़ आप इमर्स किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमें ना काफ़ी बार ये होता है कि हम नेचुरल कैसे बोलें, हम बड़ा फेक साउंड करते हैं। स्टार्ट स्पीकिंग एट अ कंफर्टेबल पेस, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई नेटिव स्पीकर जो है वो बहुत फास्ट बोलता है इसलिए वो नेचुरल लगता है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। उसकी इंग्लिश फ्लुएंट है, उसके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, इसलिए हमें वो नेचुरल लगता है। तो आप जिस स्पेस पे आप कंफर्टेबल हैं आप उस स्पेस पे बोलें। थर्ड पॉइंट इज नेवर फोकस ऑन ग्रामर, नेवर एवर फोकस ऑन ग्रामर। शुरू में हल्की सी बेसिक ग्रामर इज़ इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि अच्छा अगर हमने विल बोला हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वॉज बोला हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इस बोला हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इसके साथ क्या आएगा उससे ज़्यादा क्या आएगा, क्योंकि आप जितना ग्रामर पे फोकस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। इन द बैक ऑफ योर माइंड आप हमेशा ये सोचते रहेंगे इसके बाद यहाँ वॉज लगाऊँ, शैल लगाऊँ, विल लगाऊँ, यू आर सो कन्फ्यूज। फोर्थ इज कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। नेवर थिंक इन हिंदी। हिंदी से इंग्लिश में नहीं सोचना, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना है। अगर एप्पल मतलब एप्पल, एप्पल का मतलब सेब नहीं है, सेब का मतलब एप्पल नहीं है, सेब इज सेब, एप्पल इज एप्पल। ऑलवेज रिमेंबर दिस। पॉइंट नंबर 5 इज़ कि एनवायरनमेंट में इन सारी चीज़ों को लाने के लिए आपको सुनना सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आप क्या चीज़ सुन रहे हैं। तो हमारे पास इतना टाइम होता है, हम कभी नेटफ्लिक्स देखते हैं, कभी अमेज़ॉन प्राइम की वीडियोज़ देखते हैं, अलग यूट्यूब पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं। उन सभी डॉक्यूमेंट्रीज़ को आप इंग्लिश में देखेंगे सबसे पहले सबटाइटल्स के साथ, एक बारी और उन्हें देखेंगे बिना सबटाइटल्स के, ताकि आपको ये लगे आपने कितना इम्प्रूव किया है। और ये 5 टिप्स हो गई। एक आखिरी टिप मैं दूंगी, प्लीज़ बोनस, या इट्स अ बोनस टिप, कि नेचुरल साउंड करने के लिए एंड एज अ नेटिव स्पीकर के उसमें साउंड करने के लिए हमारे पास है ना हर लैंग्वेज के कुछ फिलर्स होते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो हम ऐसे हाँ, तो ये कुछ छोटे छोटे से फिलर्स होते हैं। तो जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में भी ऐसे फिलर्स होते हैं। इंग्लिश में कोई बोलता है यू नो, ऑलराइट, सो आई वाज लाइक, एक लाइक फिलर है, एक यू नो बहुत ज़्यादा फिलर यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या लगते हैं कि नेचुरल, हाँ थोड़ा सा नेचुरल है, फ्लुएंट है बंदा। और एक फिलर होता है, हम बहुत बारी ये करते हैं। डोंट डू दैट। सबसे पहले मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था कि ये जो बीच में आ बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना। इफ़ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, यू आर नॉट गोना बी टॉकिंग लाइक सो लाइक या आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। यू आर नेवर गोना डू दैट, यू आर ऑलवेज गोना बी फ्लुएंट। वन मोर बोनस टिप बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे क्या करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना कैट, तो वो ट के बाद, डी के बाद, के बाद, पी बी टी डी के, इनके बाद हमारी एक अ की साउंड आती है, वो नहीं आनी चाहिए कभी भी। फॉर एग्जाम्पल cap. तो कुछ लोग बोलते हैं cap. तो वो लास्ट में जो अ की साउंड आ रही है, that shouldn't happen. So yes, these are some tips for beginners. Wow, wonderful. That's great. So जानवी, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल रहे हैं आपकी ऐप का, और ज़्यादा लोग आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं. और आप कहाँ एक्टिव हैं अभी? यूट्यूब पे भी कुछ डालते रहते हैं? Yes, I am active on YouTube. I have a YouTube channel named Jahnavi Pawar, जिस पे motivational lectures, accent से related videos, English से related videos. So this is all what I post. That's great. Go and subscribe, everyone. Thank you. No, हम इतना कष्ट नहीं देते अपने व्यूअर्स को, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, इजी हो जाएगा काम. सो थैंक यू सो मच जानवी. थैंक यू फॉर हैविंग. और बृजमोहन सर, आपने जानवी को हेल्प करके बहुत सारे यूथ को बहुत इंस्पायर किया, स्पेशली लड़कियों को बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है जानवी से. सो जानवी को जानवी बनाने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद. मैंने जानवी को कभी लड़की माना ही नहीं, और आज तक भी नहीं मानता मैं. मैंने जानवी को जब छोटी सी थी तो पहले बाइक वो स्कूटी सिखा दी थी, और जैसे ही अभी साइकिल सिखाई थी, साइकिल तो सीख ली थी, स्कूटी सिखा दी थी, स्कूटी जल्दी सीख ली, बाइक सिखा दी, फिर मैंने इसको बाइक भी सीख ली. अब कार भी इसने चलानी सीख ली. बाइक चला लेती है? हाँ, अरे वाह, बाइक भी चलाती है. और सबसे बड़ी बात है, आज तक सर साइकिल दी, एक बार पीछे से पकड़ा था, छोड़ दिया था, अपने आप चला के ले गई थी. मैंने एक चीज़ और मैं बता दूं सर, जैसे आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ऐसे करते हैं ना, पता नहीं मैं गलत था या ठीक था, मैंने कभी जानवी को उंगली नहीं दी अपनी. अच्छा. इस तरह से फिंगर पकड़ के नहीं चला मैं कभी भी. अगर हम रोड पे चलो, साथ में चलो, कभी फिंगर नहीं पकड़ी. एक्चुअली जानवी को ये लगता है कि वो अगर अंग्रेजी सीख गई ना तो बाकी चीज़ें तो सब कुछ सीख लेगी, सब कुछ चला लेगी, तो वो कॉन्फिडेंस जानवी का है. तो नहीं, पेरेंट्स का भी योगदान है सर. अगर पेरेंट्स अगर ठीक से अपने बच्चों को समझें, और उस तरीके से जो हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ देते हैं, बच्चों ने एक बार क्राई कर दिया, ये चीज़ चाहिए, वही देना है. मैं आज भी लगा देता हूँ, आज सुबह भी मैंने इतना टाइट किया इसको, तो वो चीज़ें भी जरूरी हैं. तो ये ऐसा नहीं है कि हमारा प्यार इतना है. एक बाप पापा वाला जो गलती करती है तो मैं धमकाता भी हूँ, सारे काम करता हूँ. तो जानवी अभी आपको इतनी बोलती, पापा ये प्रोनाउंसिएशन आपने गलत किया, बोलती है, बहुत बोलती है. अच्छा. अब तो टोकती है मेरे को, मुझे डर लगने लगा इससे, क्योंकि हमारी तो वही टोन है सर. हाँ जी जी, चलिए. नहीं, फिर पापा का ये कमेंट होता है, तेरे को सिखा देना, बहुत है, चलो तुम बोल ले. दैट्स ग्रेट. आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और सभी पापा की बच्चों की अगर ऐसी ट्यूनिंग हो तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा, देश को बहुत लाभ होगा. आप दोनों ने समय निकाला, थैंक यू सर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये छोटा सा उपहार है, ये स्पेशली जानवी के लिए है, वैसे इसमें तो आपको पसंद आएगा जानवी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सो आज हमारे मेहमान थे जानवी व बृजमोहन पवार जी. दोनों का एक्सपीरियंस हमने जाना, एक पिता किस प्रकार से अपने बच्चों को हेल्प कर सकता है, और जानवी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर रही है. इसी प्रकार के इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके सामने आए. और अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंदर वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें.